गाइज, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइज, आज हम लोग निकलने वाले हैं ट्रिप के लिए और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं ट्रिप के लिए। तो क्योंकि ये ट्रिप ना बहुत, मतलब बहुत बड़ी ट्रिप होने वाली है। बड़ी मीन्स ऐसे कि हम लोग बहुत सारे लोग होने वाले हैं इस ट्रिप में। फैमिली मेम्बर्स ही है, काफ़ी सारे लोग हैं और काफ़ी एंजॉय करने वाले हैं हम लोग। तो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, माही, सभी लोग। यही थोड़ा सा ये थे, मतलब उनकी छुट्टी का प्रॉब्लम हो रहा था इसी वजह से, नहीं तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि सारे फैमिली मेम्बर्स ही है और बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है इस टूर में और सारे ब्लॉग देखिएगा, बहुत अच्छे लगने वाले हैं आपको। सारे के सारे ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और कहाँ जाने वाले हैं तो वो तो सरप्राइज है, वहाँ पर जाने के बाद ही आपको पता चलेगा। सबसे पहले हम लोग पुना जाएंगे और वहाँ से जाने वाले हैं। तो पहले हम लोग मासी के घर जाएंगे अकोला में और अकोला से हम लोग निकलेंगे पुना जाने के लिए। और हम लोगों ने ना ट्रैवलर की है क्योंकि पूरी फैमिली है हमारी, तो इसी वजह से जो भी है वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। मतलब कितने लोग आने वाले हैं, क्या है, सब लोग आपको देखने के लिए मिल ही जाएंगे। तो वेट करना और एंड तक ब्लॉग को देखना। चलिए फिर सब दिखा देती हूँ आपको, पैकिंग वैकिंग क्या हो रही है, क्या चल रहा है, सब कुछ दिखा देती हूँ आपको। ये सारी पैकिंग हो गई है यहाँ पे। ये एक लगेज है, ये एक लगेज है, इसके बाद यहाँ पर इसमें सारे स्लीपर्स वगैरह हैं। और ये ना थोड़ी सी बैग ख़राब हो गई यार। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि रिनोवेशन के टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें हमारी ख़राब हो गई है, तो उसमें ये बैग भी पेंट वेंट लग गया है उसे। कोई बात नहीं, अभी चल जाएगी। उतने काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, अमेरिकन टूरिस्टर वाली है, बट वो ना पेंट लगने की वजह से ख़राब हो गई। और उसके बाद ये है एक माही की बैग, उसके बाद ये एक मेरा ड्रेस है, यहाँ पर कुछ कपड़े निकाल के रखे हैं, एक बैकपैक है, तो इसमें ये कपड़े जाएंगे और ये सारे कपड़े इस बैकपैक में जाएंगे। कुछ सामान उसमें डाल भी दिया है, तो ये सिर्फ पैक करना बाकी है। ये सब पैक हो गया है और कुछ कपड़े बैठ सकते हैं इस वाले में, अमेरिकन टूरिस्टर में, क्योंकि काफ़ी सारी जगह है। इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं चैन ओपन करके इसकी एक, तो और कुछ चीज़ें होंगी तो इसमें डाल दूंगी मैं। और बस ये सारी चीज़ें हो गई है। और इसमें ना क्या बोलते हैं, ये पाइनएप्पल वैसे ही रह जाएगा, तो ये पाइनएप्पल शेक बना लेती हूँ क्योंकि अभी हम लोग जाने वाले हैं तो पाइनएप्पल ख़राब होगा तब तक। कल लेके आए थे ये, अब इसका शेक बना लेती हूँ। और ये पपीता इन्होंने काटा था, ये कीवी और ये ड्रैगन फ्रूट इसमें ही पड़ा है, कल काटा था, किसी ने खाया ही नहीं यार ये। तो अभी ये थोड़ा सा खा लेती हूँ ये भी मैं, और उसके बाद अभी बनाती हूँ शेक, पाइनएप्पल शेक। और ये बर्तन भी वॉश करने के हैं, चाय और ब्रेकफास्ट के हैं, ये भी वॉश कर लूंगी। बाहर आए थे कुछ सामान लेने के लिए यहाँ पर, और ये कुछ सामान ले लिया है यहाँ से, अभी दूसरी जगह जाने वाला है सामान लेने के लिए, तो चलिए चलते हैं।
सारा सामान ले लिया है, अभी निकलने वाले हैं। यहाँ पर ही मिल गया मुझे सारा का सारा सामान। अब ये वेट कर रहे थे यहाँ पर, मैं ही अकेले गई थी मार्केट में। आप ले लो okay. और एक मिनट वो आप ले लो और पापा को दो, श्रीकांत मामा को भी दो। मामा जी आओ, ये लो जूस। ये देखो सारा, मतलब इतनी बैग्स हो गई है हमारी, बाप रे। श्रीकांत मामा आपके, ये लो ले लेना। और कैसा बना बताओ? जूस मेरे बालों को भी लग गया। चांगले झाला, थोड़ा सा अंबट झाला ना। माही आपको भी अंबट हुआ ना? अंबट कट्टा हो गया ना आपको भी? थोड़ा सा ना आपको भी थोड़ा सा हो गया। थोड़ा सा कम चीनी डाली मैंने इसमें, चीनी डाल दूँ क्या? और थोड़ा सा कट्टा हो गया। नहीं रे, गाइस बस निकलने वाले हम लोग। सब डाल दिया है सब कुछ डिक्की में सामान, और डिक्की पूरी भर गई है, इतना सारा सामान हो गया है। मैं ना मतलब नाना कहते कहते ना इतना सारा सामान हो जाता है, माही का इतना सारा, मेरा और छोटी छोटी। अच्छा वो हानी बोला, नाना बोला नहीं तो और ज्यादा होता इससे। हाँ बोलते तो इतना सारा सामान हो जाता है। और बस अभी ये ना पता नहीं किस काम से गया है बाहर, बस 5 मिनट में आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। और ना मेरा जो पुना वाला भाई है उसकी साली भी आने वाली है हमारे साथ, वो हमारे घर पे ही आने वाली है, तो यहीं से हम लोग निकल जाएंगे। बस उसका ही वेट कर रहे हैं, तब तक इनका भी कुछ काम था तो ये चले गए हैं वो काम करने, और वो आ जाएगी तब निकल जाएंगे हम लोग यहाँ से। बस है ना, के शिवानी। हाँ क्या है? चिप्स? क्या है? तो गाइज पहुंच गए हैं हम लोग मासी के घर में, और यहाँ पर मासी ने सारी तैयारी करके रखी थी, मतलब पाव भाजी बना के रखी थी, पाव भाजी के लिए भाजी बना के रखी थी, उसके बाद सैंडविच के लिए सब कुछ तैयारी करके रखी थी। और ये यहाँ पर मिलन हो रहा है भांजी और मामी का,
तो काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे थे ना, तो इसी वजह से इतना प्यार उभर के आ रहा था। और यहाँ पर सब कुछ तैयारी कर दी थी। और ये जो मासी है मेरी सबसे छोटी मासी है, जिसे आप पहले भी मिल चुके हो, मतलब शादी वाले व्लॉग में वगैरह मिल चुके हो। और ये भाई की साली है जिसे आप नहीं मिले हो, बाद में मिलवा दूँगी मैं। और उसके बाद तो ये यहाँ पर बना रही है मासी सैंडविच। एक्चुअली पाव भाजी भी थी और सैंडविच भी था और रबड़ी थी, रबड़ी भी बना के रखी थी क्योंकि उसको पता है इनको रबड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसी वजह से उसने रबड़ी भी बना के रखी थी। और यहाँ पर बस सैंडविच वगैरह गरम गरम बनाएगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे सैंडविच। मैंने तो मतलब तुरंत ही खाया, जैसे ही गरम गरम बने ना वैसे ही मैंने खाना शुरू कर दिया। और यहाँ पर वो दिखा रही थी, ये DXN का बिज़नेस करती है, मतलब ये जो मासी है मेरी, मासी और अंकल मतलब DXN का बिज़नेस करते हैं, इसी वजह से वो स्पेरोलिनिया ऐड किया है बोल रही थी उसमें, तो इसी वजह से उसका ग्रीन कलर आया है। और हाँ, यहाँ पर बस वो आलू की सब्ज़ी लगाई है उसने, और उसके बाद ये खीरा, टोमेटो और प्याज उसके स्लाइसेस डाल देगी। उसके बाद अच्छे से इसे भी, ऊपर वाले स्लाइस को भी, जो ब्रेड का स्लाइस होता है उसको भी वो आलू की सब्ज़ी लगा देगी और उसके ऊपर रख देगी। और इसके पास वो सैंडविच मेकर है, मतलब छोटा वाला, वो जो भूनने वाला नहीं होता है वो है, तो उससे वो भून लेंगे। अच्छा था, मतलब बहुत क्रिस्पी हुआ, उससे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे सैंडविच। अब बाद में देख लेना किस तरह से बने थे। और स्टफिंग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिख रही थी, तो ये वाला जो सैंडविच मेकर है वो है उसके पास, बहुत ही अच्छे भुने थे उसने, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे वो, क्रिस्पी तो बहुत ही ज़्यादा बने थे। और इसमें इसीलिए बनाए थे उसने क्योंकि इसमें ऑयल वगैरह कुछ नहीं लगता है और थोड़े से मतलब हेल्दी बनेंगे इसी वजह से। तो ये था, और उसके बाद पाव भाजी थी और रबड़ी थी, तो ये हमने खाया। वैसे मैंने घर पे वेजिटेबल पुलाव बनाया था, तो उसकी वजह से वो तो मैंने घर पे नहीं खाया था, वो मतलब इन्होंने और माही ने वगैरह खा लिया था, मैंने ही नहीं खाया था। तो मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, मैं क्या बताऊँ आपको। यहाँ पर आई और जैसे ही ये सैंडविच बने ना, मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ, और दिखने में भी बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहे थे, तो मैंने खाना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर ये रेडी हो गया है, और पास से देखो बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, और क्रिस्पी भी इतने ज़्यादा बने थे, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने थे। तो बस ये रेडी हो चुके हैं, अभी ये मैं खा लूँगी, उसके बाद जो बनाएंगी मासी वो सबको देगी और पाव भाजी भी देगी, तो सब लोग फिर खा लेंगे। इसके बारे में मासी ने कॉल पे ही बताया था कि वो यहाँ पर ये बनाने वाली है, तो इसी वजह से हम लोग घर से खाना नहीं खा के आए थे, मतलब डिनर नहीं करके आए थे, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये खाया सब कुछ और उसके बाद हम लोग निकल गए। और हाँ, ये जो मासी है मेरी वो अकोला में रहती है, अकोला से ही मैंने वो कम्युनिटी पोस्ट डाला था, तो उसमें कुछ लोगों ने पूछा भी था कि आप कहाँ पे हो दी, तो उस टाइम मैं अकोला में थी, वहाँ से ही हम लोग निकले, मतलब अमरावती से हम लोग वहाँ पे आए अकोला में। और मेरे मायके से मेरे भाई और भाभी आए, और फिर उसके बाद हम लोग, जैसे मेरे भाई के साली को तो वहाँ से ही लेके आए थे अमरावती से, तो वो हमारे साथ ही आई थी। और एक मासी का बेटा भी हमारे साथ आया है, तो वो अकोला में ही रहता है, मतलब दूसरी मासी भी मेरी अकोला में ही रहती है। आंटी भी रेडी हो चुकी है, मतलब रेडी नहीं, अनरेडी, अनरेडी बोलेंगे ना तो चलिए निकलते हैं अब। और गाड़ी में सारी मतलब जो सामान है वो डाल दिया है हम लोगों ने, डिक्की तो है नहीं इस गाड़ी को, ती मज रहा है, हाँ टाकून दे तू तुझे, डिक्की तो डिक्की नहीं है ना का गाड़ी ला, या अंदर ही डाल दिया है हम लोगों ने सारी, मतलब आपको गाड़ी दिखाती हूँ, चलिए आगे चलते हैं, गाड़ी दिखाती हूँ आपको नीचे। तो गाइज ये है हमारे ट्रैवलर जो हमने बुक की है इस ट्रिप के लिए, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सब लोग साथ में जा रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है हमारा ये कि मतलब हम लोग इतने सारे लोग साथ में जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे हम लोग साथ में जाने के लिए। बट ये ट्रैवलर हमारे फैमिली के लिए थोड़ी छोटी लग रही थी, मतलब जब हम लोग इसके अंदर गए ना तब पता चला कि यार ये थोड़ी छोटी लग रही है हमारी फैमिली के लिए, बट कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाएगा, मतलब इतने में ही एडजस्ट हो जाएगा, सीट तो बहुत है बट ना ऐसे फैल के बैठने के लिए जगह नहीं है, और हम लोगों को इतनी फैल के बैठने की आदत है, आपको क्या बताओ। ये अंदर से कुछ इस तरह से गाड़ी का लुक है, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है गाड़ी, न्यू ही है गाड़ी। एक्चुअली हमें थोड़ी सी जो जगह कम पड़ रही थी वो इसी वजह से पड़ रही थी क्योंकि हमारे बैग्स बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि आप देख सकते हो मेंबर्स कितने ज़्यादा हैं और हमारे बैग्स बहुत ज़्यादा हो गई थी, मतलब जितने भी आप मेंबर देख रहे हो उनने एक एक बैग तो एक एक मेंबर ने ली ही है, और उसके बाद बैकपैक भी हो गई है, और इसके गाड़ी के ऊपर ना
जो कैरियर होता है वो भी नहीं है, तो इसी वजह से जो बैग्स है वो हमें अंदर ही रखनी पड़ी, हमारी सब लोगों की बैग्स हमने अंदर रखे, इसी वजह से वो थोड़ा सा कंजस्टेड लग रहा था, मतलब जगह कम पड़ रही थी हमें। और हमने ना वो जो पीछे की सीट होती है ना उसके नीचे सारी बैग्स डाल दी थी, और उसके बाद भी छोटी छोटी जो बैग्स है मतलब बैग पैक वगैरह होते हैं जो हमारा जो फेस वॉश ये सारी चीज़ें मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें उसमें होती है ना वो सारी हमने पास में रखी थी, और ब्रश वगैरह होता है तो ये सारी चीज़ें हमने पास में रखी थी। बस हम बैठ गए हैं, सारा सामान भी रख दिया है और यहाँ से निकल जाएंगे। पर बीच रास्ते में चाय लेने के लिए रुक गए थे और अभी बज रहे होंगे 2 या 3 रात के। और ये जो कपल है उन्हें हमने लिया था शेगांव से, ये भी हमारे फैमिली मेम्बर्स ही है, तो इन्हें हमने शेगांव से पिक किया। 12 बजे हम लोग उनके यहाँ से उनको लेके निकले थे, और यहाँ पर हम लोग जब रुके थे ना तो उस टाइम 2:30 या 3 बज रहे होंगे रात के। तो इतनी रात को देखो हम लोग चाय के लिए रुक गए थे, और चाय पीना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था क्योंकि हमारे में से कोई भी नहीं सोया था रात भर। और मतलब रात को हम लोगों ने ऐसे ही बीच बीच में चाय पीते पीते ही रात गुजारी। बस यहाँ पर हो गई है सुबह और कोई भी नहीं सोया है, मतलब जहाँ पर जो नींद लग गई थोड़ी सी आँख लग गई थी वही, नहीं तो ऐसे प्रॉपर नींद तो किसी की भी नहीं हुई है, बस अपनी अपनी जगह पर थोड़ी देर के लिए आँख लग गई होंगी सबकी, नहीं तो कोई भी नहीं सोया था हमारी इसमें से। पूरी रात भर हम लोगों ने जाग के निकाले, और ना हम लोग ना मतलब रुक रहे थे थोड़ी थोड़ी देर के बाद, मतलब जैसे कि 1 घंटा 2 घंटे के बाद हम लोग होटल देख के रुक रहे थे चाय लेने के लिए ताकि हमें नींद ना आए इसी वजह से। और अभी आप देख लीजिए पूना की सुबह, तो इस तरह से पूना की सुबह होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। रोड कैप्चर कर लिया मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब ठंडी ठंडी हवा थी, बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल था, और इसी वजह से शूट कर लिया आपको दिखाने के लिए कि आप भी देख लो हम लोग पूना में पहुंच गए। और हाँ मुझे ये ज़रूर बताना कि पूना से मुझे कौन कौन देख रहा है, अभी अकोला से तो आप लोगों ने बताया ही दिया होगा कि कौन कौन देख रहा है, बट अभी पूना से बता देना ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि यार हाँ पूना से मुझे कोई देख रहा है। तो गाइज इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और ये जो व्लॉग है वो कंटिन्यू ही होगा, मतलब सारे ट्रिप के जो व्लॉग है वो कंटिन्यू ही होंगे, बट 20 या 22 मिनट का अगर व्लॉग हो गया या 18 मिनट का भी हो गया तो मैं उस टाइम स्टॉप कर दूँगी और आपको उसके आगे का नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे ही सारे व्लॉग जो है वो कंटिन्यू ही रहेंगे, और ये जो व्लॉग है आपको भाई के घर से देखने के लिए मिलेगा अभी, और मतलब जब भाई के घर पे हम लोग पहुंच जाएंगे उसके बाद से नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट होगा। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए व्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और ट्रिप के व्लॉग सारे देखना, बहुत मज़ा आने वाला है आपको देख के। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, इसके साथ 2 और चैनल है मेरे, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, जाते जाते लाइक ज़रूर कर देना।